एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 बीबीसी क्लासरूम असाइनमेंट 1 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज अ रीडिंग पैसेज। इससे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में एक रीडिंग पोयम गिवन थी, जिसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं और इस पैसेज को रीड करते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पैसेज की। मोस्ट ट्रीज ग्रो अ लेयर ऑफ वुड ईच ईयर। When the tree is cut down, the layers can be seen as rings in the trunk. And counting the number of rings tell you how old the tree is. ऐसा कहा जाता है कि trees का जो trunk होता है उसमें कुछ rings present होती हैं, और ये जो number of rings होती हैं वो हमें बताती है कि उस tree की age क्या है। हर साल उसमें एक ring जो है वो बढ़ जाती हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स को हम काउंट करके बता सकते हैं कि उस ट्री की क्या एज होगी। नेक्स्ट, ट्री रिंग्स आल्सो स्पीक ऑफ द वेदर चेंजेस दैट हैव अकर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री। और जो है ट्री की रिंग्स वो हमें क्या क्या बता सकती है, कैसे कैसे वेदर चेंजेस जो हैं उसने बियर किए हैं, क्या क्या चेंजेस वेदर के उसने अपने लाइफ में देखे हैं। इन अ सीजन ऑफ गुड रेनफॉल, जब रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, रिंग्स विल बी थिक, तो जो रिंग है वो थिक होती है। एंड ड्यूरिंग ड्रॉट, और जिस साल बहुत कम बारिश हुई होती है, द ग्रोथ इज स्लोड डाउन एंड द रिंग्स विल बी थिनर, तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम होती है, जिसकी वजह से रिंग जो है वो भी थिनर होती है। ट्रीज लाइक द ब्रिस्टल कोन पाइन्स एंड सिक्वेस एंड रेड वुड्स ऑफ कैलिफोर्निया आर लिविंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेट फॉर द लास्ट 9,000 ईयर्स। स्टडिंग द चेंजेस इन ट्री रिंग पैटर्न्स इज अ साइंस कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इन ट्रीज की रिंग्स की पैटर्न्स को रीड करना जो है ये भी एक साइंस है, जिसको बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द डेटिंग ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट थ्रू स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स टू अंडरस्टैंड लाइफ इन एंशियंट टाइम्स। इसमें क्या किया जाता है, जो भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं कुछ सालों पहले, उसको स्टडी किया जाता है ट्री के रिंग्स की हेल्प से टू अंडरस्टैंड लाइफ इन एंशियंट टाइम्स, जिससे कि ये पता चलता है कि पुराने टाइम में किस तरीके की लाइफ जो है लोग बिताते थे। On the basis of your reading of the passage, answer the following questions briefly. अब हमें questions का answer करना है। First, what do things to rings indicate? जो trees की rings है, वो क्या indicate करती है? हमें क्या बताया गया है इस passage में? ये हमें बताती है। एक तो ये हमें बताती है the age of the tree. सेकेंड, ये हमें बताती है वेदर चेंजेस द ट्री हैज सीन। नाउ बी पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिंग्स डू ट्रीज गेट ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ गुड रेनफॉल। जब अच्छी वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, तो उसकी जो ट्री की रिंग होती है वो होती है थिक, और ड्रॉट जब होता है तो उस केस में उसकी जो रिंग है वो थिनर होती है। नेक्स्ट, सी पार्ट, व्हाट मेक्स सम कैलिफोर्निया ट्रीज यूनिक। कैलिफोर्निया के ट्रीज को पैसेज में यूनिक क्यों बताया गया है, बिकॉज दे आर लिविंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेरिएशंस in climate for the last 9,000 years। इतनी ज्यादा जो है उनकी एज है वो अभी तक लिविंग है और हमें बताते हैं कि पिछले कितने सालों में क्या हुआ। नाउ डी पार्ट, व्हाट डज द साइंस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी। तो इसके बारे में हमें पैसेज में बताया गया है दैट इट इज अ साइंस विच डील्स विद climate changes in the past through the study of
ट्री रिंग्स। इनकी स्टडी क्यों की जाती है? टू अंडरस्टैंड लाइफ इन एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट ई पार्ट सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज इन नॉट मोर देन 5 वर्ड्स। हम एक छोटा सा टाइटल जो है इस रीडिंग पैसेज का सजेस्ट करना है, तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? टेलिंग अ ट्रीज एज।